फौजी भाई किस तरह से 25 किलो का पिट्ठू बैग और 15 किलो का असला अपने कंधे पर टांग करके बहुत रेत के अंदर इतनी गर्मी के अंदर हमारी और हमारे भारत देश की रक्षा के लिए बहुत रेत के अंदर इतनी गर्मी के अंदर बॉर्डर पर चक्कर लगाते हैं। उस दिन से आज तक मैंने कसम खाई उन फौजी भाइयों से रूबरू हुआ मैं कि मैं कहीं पर भी किसी का गुणगान करूंगा तो मेरी जननी माता का और मेरे फौजी भाइयों का गुणगान जरूर करूंगा। मन ही मन में सोचा कि हमारे असली भगवान को ये भी है वरना कभी भी दूसरे देश के आकर के हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जो भी फौजी भाइयों को रिस्पेक्ट करता है मीठी मीठी गालियों से सभी ने मेरा साथ देना है। भाइयों के पास संदेश पहुंचाने का कोई भी माध्यम नहीं होता, उनके पास कोई फोन वोन नहीं होता और किस तरह उन हवाओं से बातें करते हैं अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के पास संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे घर में है एक बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैर को जान की बस अपने के तबदाम दी। और किस तरह से फौजी भाई वादा करते हैं जो भी फौजी भाइयों की रिस्पेक्ट करता है एक बार दोनों हाथ दबा करके गुजारिश करूंगा मैं बाबा से मुझे यह नहीं मालूम था कि आज इस पावन धरती पर जागरण भी हो रहा है। मैं तो शाम गौशाला में आता यहाँ पर महामाई के गौ माता के चरणों में हाथ ही लगाने के लिए। यहाँ से लगभग मेरा गांव 70 किलोमीटर दूर है चुराना। और जो अभी ये भजन देख रहे हो आप कल सुबह तक यूट्यूब पे लाइव भी नवीन मेरा आर्टिस्ट के नाम से आपको मिलेगा। जाते जाते सिर्फ एक ही बात कह के जाऊंगा भक्तों आदमी मुसाफिर है Yeah.
दरबार की, माँ के प्यार की। अगर मजा अच्छा लगा तो तालियों से आशीर्वाद जरूर देना।